एपिसोड की स्टार्टिंग में जाओयान फांगजिन को उसी रूम में लेके जाता है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो फांगजिन को मर्डर की पूरी स्टोरी बताता है और कहता है कि सारी गलती मेरी है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था और मैंने ही मेरे पेरेंट्स को कैंप साइट जाने की जिद करी थी, इसीलिए वो लोग वहाँ गए थे और उसी चक्कर में रास्ते में आते हुए उनकी डेथ हो गई थी। फांगजिन कहती है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, जिस पर जाओयान कहता है कि मुझे कैसे भी करके उस मर्डरर का पता लगाना पड़ेगा। फांगजिन कहती है कि हम दोनों मिलकर जरूर उस मर्डरर का पता लगा लेंगे। दूसरी तरफ हम लैंग को देखते हैं जो कि जाओयान को एज ए सीईओ हटाने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए वो प्लॉटिंग भी कर रहा था। दूसरी तरफ फांगजिन की नजर एक पजल पे जाती है जिस पर वो पूछती है कि पजल का एक पीस मिसिंग क्यों है। जाओयान कहता है कि हम कैंप साइट जाने वाले थे, वहीं पर मेरी मदर वो मिसिंग पीस मुझे देने वाली थी, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से वो मिसिंग पीस मुझे कभी नहीं मिल पाया। जिसे फांगजिन कहती है कि हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए एंड वो मिसिंग पीस ढूंढना चाहिए, क्या पता इससे हमें मर्डरर के बारे में कोई क्लू भी मिल जाए, जिस पर वो अग्री होता है और दोनों जन कैंप साइट जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जाओयान को फिर से एक्सीडेंट याद आता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब अंकल वी था तभी उसे जाओयान का फोन आता है जहाँ पर अंकल वी को बुरा लगता है कि जाओयान घर पे अकेला है, लेकिन वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ फंक्शन है और हम दोनों कैंप साइट आए हुए हैं, शायद हमें यहाँ पे मर्डर का कोई क्लू मिल जाए। ये सुनते ही अंकल वी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने नीडल्स निकालते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे फांगजिन एंड जाओ फैन उसी कैंप साइट पे थे और यहाँ वहाँ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कई साल हो चुके थे इसलिए उन्हें जल्दी कोई क्लू नहीं मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पे फांगजिन का एक स्टार दिखाई देता है जिससे जाओयान कहता है कि ये तो डेकोरेटिव स्टार है जो मेरी मदर को बहुत ही पसंद हुआ करते थे। अब वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पे फांगजिन को एक और स्टार मिलता है जहाँ पे फांगजिन समझ जाती है कि ये जरूर क्लूज हैं जो जाओयान की मदर ने उसके लिए छोड़े हुए हैं। फिर दोनों आगे जाते हैं जहाँ पे उन्हें बरी किया हुआ एक बॉक्स भी मिल जाता है जिससे वो समझ जाते हैं कि जाओयान की मदर का ही है। जब वो उस बॉक्स को बाहर निकालता है तो उसमें वो मिसिंग पजल पीस भी मिल जाता है एंड एक लेटर भी मिलता है जिससे जाओयान अपनी मदर को याद करता है और कहता है कि मुझे आप दोनों की बहुत ही ज्यादा याद आती है, एक्सीडेंट को 13 साल हो चुके हैं लेकिन मैं आप दोनों को नहीं भूल पाया हूँ और फाइनली मुझे आपका गिफ्ट मिल चुका है, और कहता है कि अगर आप दोनों यहाँ होते तो मैं आपको फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाता, ये बहुत ही अच्छी लड़की है और ये पूरी लाइफ मुझे प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा कहकर वो फंक्शन का हक करता है। वहीं दूसरी तरफ हम कोयुकी को देखते हैं जो कि अपने घर में अपसेट थी, जहाँ पर लैंग उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं बोला था कि तुम जाओयान को लाइक करो क्योंकि फिर ऐसा ही होने वाला था, जिस पे कोयुकी कहती है कि अब मुझे जाओयान नहीं पसंद है लेकिन अब तो मुझे किसी और से प्यार है, जिस पर लैंग कहता है कि वो जो भी हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस जाओयान को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। यहाँ पर अंकल वी घर पे जाओयान एंड फांगजिन का वेट कर रहे थे तभी वहाँ पे जाओयान एंड फांगजिन आते हैं। जाओयान अंकल से पूछता है कि आप इतने जल्दी घर कैसे आ गए, तो वो कहता है कि मुझे बेटर फील हो रहा था इसलिए मैं घर आ गया हूँ, जिस पर जाओयान उसे गिफ्ट दिखाता है जो उसे कैंप साइट पे मिला था। तो अंकल भी पूछते हैं कि तुम्हें किलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिससे जाओयान कंफ्यूज होकर कहता है कि आपको इसकी एक्साइटेड नहीं है कि मुझे मेरा गिफ्ट मिल चुका है, जिससे अंकल भी बात पलट देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वहीं दूसरे दिन हम कंपनी में लैंग को देखते हैं जो कि खुद को एज ए चेयरमैन असिस्ट करना चाहता था और जाओयान को कंपनी से निकालना चाहता था, इसीलिए वो सारे ही शेयर होल्डर को वहाँ पे बुलाता है और कंपनी की मीटिंग रखता है और सभी को जाओयान के खिलाफ भड़काने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल वी से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ था। दोनों की बातों से समझ आ जाता है कि कई सालों पहले जो जाओयान के पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी वो एक्सीडेंट अंकल वी ने ही करवाया था, वो भी चंद पैसों के लिए, और फिर अब वो चाहते हैं कि जाओयान को भी इसी तरह मार दिया जाए क्योंकि जाओयान के विल में जो पैसे हैं वो अंकल वी को मिल जाए। फांग फिर भी अंकल वी को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे भी बार बार किसी को मारना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अंकल वी फिर भी उसे फोर्स करते हैं कि वो जाओयान को कुछ पैसों के लिए ही मार दे। यहाँ दूसरी तरफ हम फांग जिन और जाओयान को देखते हैं जो कि साथ में डांस कर रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। फिर फांगजिन जाओयान के बहुत ही क्लोज आती है और उसे टीज करती है, जिससे जाओयान फांगजिन को वॉल से पिन कर देता है और उसे किस करने ही वाला था। तभी अंकल वी वहाँ आ जाते हैं जिससे दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। अंकल वी आते ही बताते हैं कि लैंग ने कंपनी में शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी है और वो खुद को चेयरमैन असिस्ट करना चाहता है, जिससे फांगजिन एंड जाओयान जल्दी से रेडी होते हैं और कंपनी की तरफ जाते हैं और दोनों उसी स्टाइलिश तरीके से कंपनी पहुंचते हैं जैसे वो फर्स्ट डे पहुंचे थे। यहाँ पे लैंग को चेयरमैन की पोजीशन मिल चुकी थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर उसे जाओयान के ऑफिस में लाया जाता है जिससे वो वहीं काम करने वाला था। तभी एक पर्सन आके बताता है कि फांगजिन एंड जाओयान कंपनी में आ चुके हैं, जिससे लैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है।
जब ज़ाओयान लैंग के पास पहुंचता है तो लैंग कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सभी ने मुझे एज ए चेयरमैन असिस्ट कर दिया है और अब तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी फांग जिन एक रिपोर्ट उन्हें देती है जहां पे पता चलता है कि जो मेजर शेयर होल्डर थे उन्होंने अपने सिग्नेचर वापस ले लिए हैं और लैंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया जाता है, जिससे लैंग बहुत ही शॉक रह जाता है। ज़ाओयान सबके सामने कहता है कि पहले भी इस कंपनी का चेयरमैन मैं था और आगे भी इस कंपनी का चेयरमैन मैं ही रहूंगा, और साथ ही जो दो मेजर शेयर होल्डर थे उनकी कंपनीज भी मैंने खरीद ली हैं, इसलिए अब से इस कंपनी के जो भी डिसीजन होंगे वो मेरे होंगे, जिससे लैंग को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर ज़ाओयान एंड फांगशन वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फांग उनकी कार में जाता है एंड ब्रेक फेल कर देता है। फिर जब फांगशन एंड ज़ाओयान वहां से निकल जाते हैं तो वो अंकल वी को मैसेज करके बता देता है। यहाँ पर अंकल वी उसी रूम में पहुंचता है जहाँ पर ज़ाओयान ने मर्डर के सारे ही एविडेंस रखे हुए थे। वहाँ पे उसे वापस से पैसों के लिए कॉल आता है क्योंकि वो इतने सारे कर्जे में, वो कहता है कि मैं जल्दी ही पैसे चुका दूंगा। फिर वो यहाँ वहाँ सारा सामान देखता है एंड एविडेंस भी देखता है और वो कहता है कि भले मुझे ज़ाओयान को मारना पड़े लेकिन पैसों के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तभी उसे बाहर से आवाज आती है और वो रूम से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि रूम तो बाहर से लॉक है, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो फांग को कॉल करता है लेकिन फांग उसका कॉल नहीं रिसीव करता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर आके फांग को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर ज़ाओयान एंड फांगशन भी आ जाते हैं जहाँ पर अंकल वी कहने लगते हैं कि मैं बस बोर हो रहा था इसीलिए मैं इस कमरे में आ गया था। ज़ाओयान कहता है कि मुझे पता है कि वो आप ही थे, जिससे अंकल वी कंफ्यूज होता है। ज़ाओयान फिर उसे एक बग दिखाता है जो फांगशन एंड ज़ाओयान को उसी रूम में मिला था, यानी अंकल वी उधर की जो भी बातें होती थी वो सारी ही सुनते थे। अब ज़ाओयान को पता था कि अंकल वी उसे भी मरवा सकते हैं, इसीलिए जैसे ही फांग ने उसकी कार की ब्रेक फेल करी थी उसने दूसरी कार ले ली थी। उसके बाद अंकल वी उसे सॉरी कहने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे से जो भी हुआ वो गलती में हो गया। ज़ाओयान कहता है कि आपने मेरे पेरेंट्स को पैसों के लिए मार दिया और अब आप मुझे भी पैसों के लिए मार रहे थे। जो मैंने विल में पैसे छोड़े थे वो इसलिए थे ताकि आप अपने ओल्ड एज में आराम से जी सको, ना कि इसलिए कि आप मुझे मार के उन पैसों को ले सको। जिस पर अंकल वी सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मैंने जो भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ज़ाओयान उन्हें माफ करने के लिए अग्री नहीं होता है और उन्हें सजा दिलवाने को कह के वहां से चला जाता है। वहीं हम अंकल वी को फिर जेल में देखते हैं। कुछ दिनों बाद ज़ाओयान अपनी कंपनी में जाता है और कहता है कि मैं AI डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका हेड मिस्टर सांग होगा जो अब से AI प्रोजेक्ट पे काम किया करेगा, और AI प्रोजेक्ट के डायरेक्टर वो कोयोकी को चुनता है। कोयोकी भी सांग के साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अगले सीन में ज़ाओयान मिस्टर लैंग से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो उन्हें कई सालों बाद अंकल करके बुलाता है, जिससे वो खुश होते हैं और उसे अपने साथ बैठाते हैं। जहाँ से कोयोकी बाहर जाती है और वो फांगशन के साथ बैठ के बातें करती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे सांग पसंद है। फांगशन भी कहती है कि तुम्हारी और सांग की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, जिस पर कोयोकी कहती है कि तुम्हारी और ज़ाओयान की जोड़ी भी बहुत अच्छी है, और दोनों सिस्टर इन लॉ बनने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ ज़ाओयान अंकल लैंग से कहता है कि मुझे हमेशा शक था कि आप ही थे जिसने मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था और मैं इस चीज के लिए बहुत ही गलत था। लैंग कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जो ब्रूच मैं हमेशा पहनता हूँ वो तुम्हारी मदर ने ही मुझे दिया था, और मैं हमेशा इसे ये करके पहनता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। उनकी डेथ से मुझे भी बहुत ही हर्ट हुआ था, जहाँ पे ज़ाओयान उसे सॉरी कहता है, जिस पर अंकल लैंग कहते हैं कि जो भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, तुमने भले ही हम सबसे बात करना बंद कर दिया था लेकिन मुझे ज्यादा एफर्ट करने चाहिए थे, और ये बिजनेस तुम्हारा ही है और तुम इसे मुझसे ज्यादा अच्छे से चला पाओगे, जिससे ज़ाओयान उसे थैंक यू कहता है और उससे हैंडशेक करने को भी कहता है। अंकल लैंग उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारी डिजीज ठीक हो गई है, तो ज़ाओयान बताता है कि हाँ, फांगशन ने ये डिजीज ठीक कर दी है, जब से वो मेरी लाइफ में आई है मैं लोगों को टच कर पा रहा हूँ, जिससे अंकल लैंग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे हमेशा से ही फांगशन पसंद थी। जहाँ पे कोयोकी एंड सांग साथ में थे, कोयोकी सांग से कहती है कि एक साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ लेकिन तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन सांग जवाब नहीं देता है, जिससे कोयोकी उससे कहती है कि एडमिट करो कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, और उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है। सांग वहां से जाने की कोशिश करता है तो कोयोकी उसे किस कर लेती है। अगले सीन में कोयोकी ने सांग को अपने घर डिनर पे बुलाया था। अंकल लैंग उसके ऊपर बहुत ही गुस्से से बात करते हैं, लेकिन कुछ ड्रिंक्स करने के बाद ही मिस्टर लैंग को सांग बहुत ही पसंद आने लगता है, जिससे कोयोकी बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ फांगशन एंड ज़ाओयान साथ में रहते थे और दोनों साथ में स्टार्स देखते हैं। उसके बाद ज़ाओयान कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं वापस से खुश रहना सीख गया हूँ, जिससे फांगशन भी खुश होती है एंड दोनों किस करते हैं। एंड इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और आने वाले कई सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।